हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, राइट? तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूजुअली क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा एंटीसेप्टिक है। जनरल क्वेश्चंस हमारे रहते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है? तो हम उन्हीं की बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है? चैप्टर का नेम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है? यहाँ पर हम सभी की सभी जो ड्रग्स हैं, ठीक है, मेडिसिन हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है? तो लिखो जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब केमिस्ट्री हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? देखो, लाइफ की ना, आप डेली लाइफ में देखो केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है। केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स, है ना? कितना बड़ा रोल है। आजकल आप देखो, आप जितने भी चीज़ें आती है आजकल पैकिंग में आती है, इवन जो मिल्क है वो भी पैकिंग में आता है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस, प्रिजर्वेटिव्स उनमें ऐड किए जाते हैं। तो वो भी क्या है, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड को स्पॉइल होने से प्रिवेंट करते हैं, तो वो क्या है, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं। आप लेदर इंडस्ट्री में चले जाओ, मेडिसिन इंडस्ट्री में हम डेली मेडिसिन यूज़ करते ही हैं, है ना? हमारी डेली लाइफ में मेडिसिन एक पार्ट है ना? तो मेडिसिन के लिए भी क्या है, मेडिसिन में अगेन क्या यूज़ होता है, केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, ठीक है? आप जैसे पिकल्स, आप अचार खाते हो, है ना? तो इनमें सभी में क्या यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। तो मतलब केमिस्ट्री कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में अपना रोल क्या करती है, प्ले करती है ना? और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करती है, क्योंकि अब देखो जैसे क्लोथ है, ठीक है, जैसे क्लोथ बनते हैं तो अगेन वहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल्स रिएक्शंस वहाँ पर होती है, ठीक है? तो वहाँ पर क्लोथ किसी भी इंडस्ट्री में आप लगाओ, किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है? तो केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हम जो यहाँ पर, ठीक है, केमिस्ट्री का रोल स्टडी करेंगे वो करेंगे, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ वाला कंप्लीट हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं आंट एसिड्स। आंट एसिड्स, अब ये सभी ना किसकी कैटेगरी में आते हैं, आंट एसिड सभी आते हैं एंटी हिस्टामीन की कैटेगरीज में। किसकी कैटेगरी में आते हैं, एंटी हिस्टामीन, ठीक। तो पर ये कौन से होंगे, सबसे पहले इसकी जो टाइप्स है वो क्या है जी, आंट एसिड्स है, ठीक है। तो आंट एसिड्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, आंट एसिड्स। ड्रग्स विच न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ which neutralize the acidity is called aunt acids, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हो गया, इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, जो हमारे पास सिमिटिडीन हो गया, ठीक है, और भी होते हैं, बेकिंग सोडा हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, आंट एसिड के एग्जांपल होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर है ना, इसको लर्न करने के लिए एक और ट्रिक है। इसके अलावा भी हमारे पास तीन चार नाम है, पर वो नेम है ना ऐसे होते हैं, हमें लगता है अजीब अजीब से नाम है, तो उनको ना एक ट्रिक से आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्या लिख रही हूँ, ट्रिक फोर एसिड ड्रग, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। तो देखो क्या ट्रिक है एसिड ड्रग के लिए हमारे पास एंटी हिस्टामाइन, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे होगा, सीता रा नी जानकी, ठीक है, ऐसे आपको इसे याद करना है, सीता रानी जानकी, ठीक है, ऐसे सीता रानी, ऐसे नहीं, एक मिनट रुको जी, इसको दोबारा लिखती हूँ,
देखो यहाँ पर हो गया आपके सी, सी आई सीता रानी रानी जानकी, ठीक है। तो देखो सी आई से क्या हो गया, सिमिटिडीन हो गया, सी आई से सिमिटिडीन। टी ए से आपके पास क्या हो गया, टेगामेट हो गया, टेगामेट, ठीक है। आपको ना मतलब वहां पर जब चार ऑप्शन दिखाई देंगे ना, और आपको जैसे मान लो आ गया कि एसिड, आपको एंट एसिड ड्रग आ गई, तो आप क्या करोगे वहां पर, आप ये याद करोगे सीता रानी जानकी, तो आपको ऑप्शंस में से ना एलिमिनेट हो जाएंगे, और ऑप्शंस में से वहां पर 101% आपको ये चीज याद आ जाएगी। हाँ ये ऑप्शन था, आपको थोड़ा थोड़ा भी याद होगा ना तो आपको याद हो जाएगा, है ना। जैसे सी आई से सिमेटिडिन, सी आई से ही स्टार्ट होता है, टी ए टी ई से टैगमैन, ठीक है। यहाँ पे रानी से रेंटिडिन, ठीक है, ये क्या होता है रेंट रेंटिडिन। उसके बाद है आपके पास जानकी, जानकी से जिनटेक, जानकी से क्या होता है जिनटेक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर, हमारे पास ऐसे ड्रग के ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास रेंटिडीन होता है उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है जी, ठीक है। रेंटिडीन का स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास क्या होती है, फाइव मेंबर्ड रिंग होती है, फाइव मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपके पास क्या है, ठीक है, डाई मिथाइल अमाइन Me2N, यहाँ पर देखो यहाँ पर सल्फर, ठीक है, यहाँ पर NH, यहाँ पर C, डबल बॉन्ड CH NO2, यहाँ पर NH CH3, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास रेंटिडिन, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, एसिड ड्रग। उसके बाद हमारे पास आता है एंटी एलर्जिक ड्रग, ठीक है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, ठीक। अब देखो बहुत को क्या होती है ना, बहुत सारे पर्सन्स को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है ये भी हमें क्या करनी है, लर्न करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लर्न करना, ठीक है। ये है तो एग्जाम्पल किसका, एंटी हिस्टामिन का ही है, अगेन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एंटी हिस्टामिन, ठीक है। देखो इसके ना जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं, देखो ऐसे ऐसे याद रखना, ब्रोफिर ब्रोफिर, ठीक है, यहाँ पर हंसना मत, ठीक है, ये थोड़ी ऐसी ही ट्रिक है। दिन ही दिन में, दिन ही दिन तेरे को पड़ेगी सेंडल, है ना, ब्रो फिर तेरे की, अगर तू ऐसे काम करेगा तो भी ब्रो फिर दिन ही दिन में पड़ेगी तेरे को सेंडल, बस ये याद करना। में पड़ेगी एक वर्ड आपने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लर्न कर लेना है, ठीक है। ब्रो फिर का मतलब क्या है, ब्रो फिर का मतलब है ब्रोमो फिनिरा अमाइन, ठीक है। देखो अदरवाइज तो इनके ना नेम्स ही ऐसे ऐसे हैं तो हमें याद होंगे ही नहीं, है ना, फिनरा अमाइन, ठीक है। मेडिकल वालों को फिर भी लर्न हो जाते हैं, और नॉन मेडिकल वालों को तो बहुत ही इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आपके पास क्या है, दिन ही दिन, दिन ही दिन मतलब दो आएंगे, ठीक है, एक डिमाटेप एक डिनाटेप, एक होता है डिमाटेप डिमाटेप, और एक होता है डिमा टेन डिमा टेन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है तेरे को, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टेरी फिनाडी, टेरी फिनाडी फिनाडी। सैंडल, सैंडल का मतलब क्या है, सेल्डिंग, इसका मतलब क्या है, सेल्डिंग, ठीक है। ब्रोमोफिनरामाइन, ठीक है, डेमाटेप यहाँ पर, ठीक है, टेरिफिनाडीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेल्डिन, ठीक है। तो देखो याद हो जाएगा आपको एंटी एलर्जिक ड्रग, ठीक है। ट्रिक क्या है, ब्रो फिर दिन ही दिन मतलब दो डी डी वाले आएंगे, ठीक है, मैं पढ़ेंगी तेरे को सेल्डिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स हमारे पास क्या होते हैं जी, ट्रैंक्विलाइजर्स हमारे पास होते हैं जो जो कहते हैं ना कि किसी को अगर स्ट्रेस हो जाए तो वो क्या लेता है ना, मेडिसिन वगैरह लेने लग जाता है, तो वो क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो स्ट्रेस से रिलीफ लेने के लिए, ठीक है, ली जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
ट्रैंक्विलाइजर्स यूज्ड फॉर, देखो ट्रैंक्विलाइजर्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन सीवियर डिसीज, एंड माइल्ड और सीवियर सीवियर मेंटल डिजीज, मेंटल डिजीज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रैंक्विलाइजर्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रैंक्विलाइजर्स। अब ये क्या करते हैं, ये हमें, ठीक है, स्ट्रेस से, ठीक है, हमें इरिटेशन हो जाती है, इरिटेबिलिटी से, ठीक है, ये हमें क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिलीफ फील करते हैं। तो यहाँ पे आएगा रिलीफ, लिख लो इसको भी, रिलीफ इन एग्जाइटी, इन एग्जाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट बाय इंक्लूडिंग, बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, और ये ना जो स्लीपिंग फील्स होती है उनका क्या होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, है ना। कहते हैं ना, किसी को ज़्यादा टेंशन हो रही है कुछ भी, तो डॉक्टर दवाई दे देते हैं ताकि वो क्या कर पाए वहाँ पर, ठीक है, वो आराम से सो पाए, है ना। एक मिनट जी, तो हमारे पास, ठीक है, तो ये किसका एसेंशियल एग्जांपल हमारे पास होता है, ये हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसके, स्लीपिंग पिल्स के, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, तो जो ट्रैंक्विलाइजर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं जी, ये हमारे पास होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, आप यहाँ पर लिखना। एक होता है हमारे पास इप्रोनाजाइड, ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिख देती हूँ, मैं आगे लिख देती हूँ, ठीक है, ट्रिक फॉर ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, ये बहुत ही लंबी ट्रिक है भाई, ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा यहाँ पर लर्न करने का। देखो, कहते हैं कि आपके पास, ठीक है, इसके लिए इतनी अच्छी ट्रिक नहीं है, आप खुद से कर लेना, मैं नेम लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे देखो, इप्रोनाजिड, ठीक है, ऐसे लिखना यहाँ पर, एक प्यार की जिद है। ठीक है, एक प्यार की जिद है, देखो इप्रोनाजिड, इप्रोनाजिड, ऐसे ऐसे याद रहेगा। ठीक है, क्या है, फिर ना दिल, ये ट्रिक है इस साइड वाली, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है वो क्या है, ट्रिक है। तो इसका एग्जाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे फिर ना दिल, मतलब फिनाजीन नारडिन, ठीक है, फिनाजीन नारडिन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से याद रहेगा ये वाला वर्ड। उसके बाद है मैं, मे एक बात आएगी, ठीक है, मे यहाँ पर, मे का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले मैं साइड ट्रिक लिख देती हूँ ब्लैक से, मे बात आएगी, बात आएगी, तुझे ना करेगी बर्दाश्त, तुझे ना करेंगे बर्दाश्त, बर्दाश्त ये लोग कल
ये लोग कल तेरे शहर में ये लोग तेरे शहर में तो फिर बवाल मचाएगी मैं तो फिर बवाल मचाएगी बवाल मचाएगी। ठीक है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऐसे लिख दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या किससे क्या मतलब है। देखो ये तो हो गया इप्रोनाजॉइड, ये हो गया फिनार्जी नार्डिन। मे का मतलब है मैप्रो बैमेट। ठीक है, मैप्रो बैमेट। उसके बाद है बात आएगी। ठीक है, बात आएगी, आएगी मतलब अमेयतल। ठीक है, उसके बाद है तुझे ना, तुझे ना नेम यहाँ पर होता है नेम्बूटर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कौन से आपको याद करने। करेंगे बर्दाश्त वेरोनॉन। ठीक है, ये इक्वानिल, ये इंपॉर्टेंट है जी, इक्वानिल आप याद रखना क्योंकि इतने याद नहीं होंगे। इक्वानिल, इप्रोनाजॉइड एंड फिनोलाजिन नार्डी, ये है मेन तो आपके पास। लॉग ल्यूमिनल, लॉग ल्यूमिनल। कल क्लोरो डाई ऑक्साइड, क्लोरिडाई डाई एपॉक्साइड। तेरे शहर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास सेरोटोनिन। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ट्रिक फोर ट्रैंक्विलाइजर्स हो गए। ठीक, तो इस तरीके से आपको ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करने हैं, लर्न करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस हमारे पास क्या होते हैं, एनालिसिस हमारे पास वो ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो पेन को कम करते हैं। ठीक है, एनालिसिस आर ड्रग्स, आर ड्रग्स विच रिड्यूस द पेन, विच रिड्यूस द पेन, विच रिड्यूस द पेन। जो पेन को रिड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। अब देखो हमारे पास है ना एनालिसिस में यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एक होती है नॉन नैरोकेटिक एनालिसिस, एक होती है नैरोकेटिक एनालिसिस। ठीक है, एक तो हमारे पास होती है ऐसे लिखना नॉन, नॉन नैरोकेटिक एनालिसिस एंड एक हमारे पास होती है नैरोकोटिक एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी टू टाइप्स होती है। ठीक है, अब देखो जैसे ना हमारे पास जो ये होती है नॉन नैरोकोटिक एनालिसिस, ठीक है, जैसे कि एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है, वो नॉन नैरोकोटिक एनालिसिस की यहाँ पर टर्म में आती है। ठीक है, तो ये ना ड्रग्स इफेक्टिव होती है रिलीविंग स्केलेटल पेन, है ना, हमारी बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो तो, ठीक है, उसके लिए उसको रिलैक्स करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, और कुछ जो हमारे पास एनालिसिस होती है ना उनका एक्शन होता है, ठीक है, वो काम करती है कैसे, एज अ रिड्यूसिंग फीवर, वो एंटीपायरेटिक की तरह भी क्या करती है, काम करती है। ऐसे लिखना यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर रिलीविंग फ्रॉम, रिलीविंग फ्रॉम फ्रॉम स्केलेटल पेन। स्केलेटल पेन कि मतलब बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो तो उससे रिलीव करने के लिए यहाँ पर क्या है, ये यूज होती है। सेकंड, ठीक है, दीज ड्रग्स हैव मैनी इफेक्ट्स सच एज रिड्यूसिंग फीवर। दीज ड्रग्स, दीज ड्रग्स ऑल्सो हैव, ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग फीवर, इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग फीवर। ठीक है, रिड्यूसिंग फीवर वालों को हम क्या कहते हैं, एंटी पायरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी पायरेटिक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, नॉन नैरोकेटिक एनालिसिस। अब है ना यहाँ पर नॉन नैरोकेटिक एनालिसिस, इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या होता है, नैरोकेटिक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो नॉन नैरोकोटिक ड्रग्स हैं, कौन सी, एक पैरासीटामोल और एक क्या है, एस्पिरिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जी आपके पास, याद कर लेना पास से। देखो पास, पी ए
एस है ना, पास। तो पी ए से पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, और ए एस से एस्पिरिन, ए एस से एस्पिरिन, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रिक हो जाएगा किसके लिए, फॉर नॉन नेरोकेटिक एनालिसिस, ठीक है, नॉन नेरोकेटिक एनालिसिस, ठीक है, पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। उसके बाद है हमारे पास एडिटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जैसे कि किसी का ऑपरेशन हुआ है, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके पेन को कम करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो होती है नैरकोटिक ड्रग्स, है ना। तो ये क्या होते हैं, पोस्ट ऑपरेशन, ठीक है, या कार्डिक पेन हो रहा हो, ठीक है, या पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर हो, तो उसके लिए क्या यूज़ की जाती है, नैरकोटिक ड्रग्स, नैरकोटिक एनालिसिस, यहाँ पर लिख दो नैरकोटिक एनालिसिस, ठीक है। अब देखो नैरकोटिक एनालिसिस यहाँ पर क्या होंगे, यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ, यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेटिव पेन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक पेन हो गया, कार्डियक पेन, एंड पेन्स ऑफ, एंड पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर, एंड इन चाइल्ड बर्थ, एंड इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है। दवाई ये कि कोई भी ऑपरेशन हुआ हो उसके बाद जो पेन होता है, कार्डिक पेन हो, टर्मिनल कैंसर का पेन हो, या जैसे डिलीवरी होती है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ उसका पेन हो, उसको, ठीक है, उससे रिलीफ करने के लिए यहाँ पर कौन सी एनालिसिस यूज की जाती है, यूज की जाती है हमारे पास नैरकोटिक, ठीक है। जैसे कि मॉर्फिन है, मॉर्फिन यूज की जाती है किसमें, ठीक है, ताकि नींद आ जाए जब, ठीक है, बेबी का बर्थ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके पेन होता है उस पेन को रिलीफ करने के लिए, जैसे मॉर्फिन वहां पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है हीरोइन का माफिया कोर, है ना, ऐसे ट्रिक फॉर नो, ट्रिक फॉर नैरकोटिक एनालिसिस, ठीक है। नैरकोटिक एनालिसिस के लिए हमारे पास यहाँ पर कौन सी ट्रिक होंगी, ये हमें क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। तो वो हमारे पास होंगी जी, यहाँ पर ऐसे याद करना, हीरोइन का माफिया कोड, ठीक है, हीरोइन का माफिया कोड। तो देखो हीरोइन यहाँ पर, एक तो हीरोइन ही हो गया, ठीक है, यहाँ पर हीरोइन, माफिया, एम से क्या हो जाएगा, मोरफिन, एम से मोरफिन हो जाएगी। उसके बाद है कोड, कोड से क्या होता है, कोडीन, याद रखो क्या याद करोगे, कोडीन। तो ये तीन हमारे पास क्या होती है, ये तीन हमारे पास, ठीक है, एनालिसिक्स होती है, जो कि क्या होती है, नैरकोटिक एनालिसिक्स, ठीक है, नैरकोटिक एनालिसिक्स होती है, हीरोइन, मॉर्फिन एंड कोडीन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे जी यहाँ पर नैरकोटिक एनालिसिक्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या स्टडी किया, अभी हमने स्टडी किया यहाँ पर, ठीक है, एनालिसिक्स हमने स्टडी किया, एंटीबायोटिक हमने स्टडी किया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने क्या कर लिया, यहाँ पर स्टडी कर ली जी, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक है एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, तो आप एंटीबायोटिक भी लर्न कर लो, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि ये क्या करती है, ठीक है, ये ग्रोथ को, ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, उनकी ग्रोथ को क्या करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। अब देखो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो हमारे पास क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक क्या है, लर्न करने के लिए आपको नेम याद होने चाहिए, श्रीलंका की एसपी, श्रीलंका की एसपी, ठीक है, अर्श अर्श श्रीवास्तव, ऐसे याद करना, श्रीवास्तव की प्यारी स्माइल, ठीक है।
तो देखो श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका से क्या आ जाएगा? सल्फोना अमाइड, ठीक है? श्रीलंका से हमारे पास आ जाएगा सल्फीनिला अमाइड, सल्फीनिला अमाइड, ठीक है? की एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सल्फा पायरिडीन, सल्फा पायरिडीन, पीरिडीन, ठीक है? उसके बाद है अर्ष श्रीवास्तव, अर्ष फीना अमाइन, देखो अर्ष से याद रहेगा, अर्ष फीना अमाइन, ठीक है? वहां पे ना आपको सिर्फ अगर ये वर्ड्स याद होंगे ना, वहीं से आपको चार ऑप्शंस तो दिखेंगे ही, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? श्रीवास्तव यहाँ पर सिलवारसा, यहाँ पर सिलवारसा ये हो जाएगा। ये दो अलग अलग है ऐसे, इसलिए मैंने श्रीवास्तव लिखवाया ताकि आपको दोनों ये याद हो जाए। की प्यारी सिलाई, ठीक है? प्यारी स्माइल यहाँ पे आ जाएगा, प्रोंटो सेल, ठीक है? प्रोंटो सेल, ठीक। तो जो प्रोंटो सेल है ये दोनों को मिलाकर बना है, ठीक है? तो आपको ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है जी, प्रोंटो सेल इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? एंटीबायोटिक हो जाएंगे, ठीक है? अब एंटीबायोटिक्स में भी ना हमारे पास क्या करते हैं, कुछ तो एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को बिल्कुल मार देते हैं, मतलब किल कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनको इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं मतलब, ठीक है? तो आपके पास है ना यहाँ पर, उन्हें तो क्या कहते हैं, सीडल इफेक्ट, जो किलिंग इफेक्ट होता है ना, एंटीबायोटिक इफेक्ट हमारे पास, एंटीबायोटिक इफेक्ट हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स के रहते हैं। एक रहता है जी सीडल इफेक्ट, सीडल इफेक्ट। तो सीडल इफेक्ट हमारे पास क्या है, ये, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, बिल्कुल किल कर देते हैं। उसके बाद है स्टैटिक इफेक्ट, स्टैटिक इफेक्ट में हमारे पास क्या होगा, ये इनहिबिटरी एक्शन होगा उनका, क्या होगा, इनहिबिटरी एक्शन होगा, ठीक है? तो सीडल इफेक्ट और क्या है, स्टैटिक इफेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले सिडल इफेक्ट के लिए यहाँ पर ट्रिक मैं लिख देती हूँ, ए ओ यहाँ पे ऐसे कर से, ठीक, ये ऐसे याद रख लो, ए ओ पेन, ए ओ पेन, ठीक है? तो ए से क्या है जी, ए से आपके पास यहाँ पर नाम आ जाएगा हमारे पास अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, अमीनो ग्लाइको, ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद ओ से क्या है जी, ओ से है ऑफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, ठीक है? पेन से क्या है, पेंसिलिन, पेंसिलिन, उसके बाद हमारे पास है स्टैटिक इफेक्ट, ठीक है? स्टैटिक इफेक्ट यहाँ पर कैसे याद रख लोगे, तेरे चेहरे की आंखों ने मुझे, है ना, आंखों ने मुझे, ठीक है? यहाँ पर ये चीज है, ठीक है? ये मुझे वाला तो कोई नहीं आएगा यहाँ पर, मुझे स्टैटिक कर दिया, ऐसे याद करना, मुझे स्टैटिक कर दिया, तो ये याद रहेगा, ये स्टैटिक वाले के लिए क्या था, ट्रिक था। देखो तेरे से आपके पास क्या आ जाएगा, टेट्रासाइलिन, ठीक है? तेरे से क्या याद रखना आपको, टेट्रासाइलिन, टेट्रासाइलिन। उसके बाद है चेहरे, चेहरे से क्या करोगे, क्लोरम फेनिकॉल, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्लोरम फेनिकॉल आपके पास क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और कैसा इफेक्ट है उसका, स्टैटिक इफेक्ट, ठीक है? ठीक है, आंखों ने, आईज ने लिख लेना, ठीक है, इसकी जगह आईज लिख लेना, आईज ने, ई से इराइथ्रोमाइसिन, ठीक है? यहाँ पर आईज, यहाँ पे क्या लिखोगे जी आप, आईज लिखोगे, ठीक है? यहाँ पे इराइथ्रोमाइसिन, ई से याद रहेगा, इराइथ्रोमाइसिन, ठीक। तो आपके पास ये इम्पोर्टेंट है, आपके पास क्लोरम फेनिकोल यहाँ पर, और यहाँ पर पेंसिलिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इराइथ्रोमाइसिन भी लिटल बिट इम्पोर्टेंट है आपके पास, तो ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है? जिनके ऊपर मैंने क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से ही क्या होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गए जी आपके पास एंटी बायोटिक्स, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट, ये हमारे रहते हैं, ठीक है? तो ये हम स्टडी करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।